आप समझिए कम से कम ये 150 बिलियन डॉलर की खाली 4-5 जगह की मार्केट है। 150 बिलियन डॉलर बोलते किसको है? हमारे जो लोग हैं, जो बीमार हैं, जो कमजोर हैं, उनसे तो अगला इस दुनिया में हिसाब से और हमको दिखाए मतलब आगे चोरी करने की सजा कैसे होगा। इस मुल्क के साथ जो अटैचमेंट है वो किसी और मुल्क में नहीं है। पाकिस्तान की ओरिजिन जो हिस्ट्री है वो 7,000 साल पुरानी है। यहाँ हिंदू टूरिज्म अलग है, सिख टूरिज्म अलग है, बुद्धिस्ट टूरिज्म अलग है। आप क्लाइंबिंग ले लें, आप क्या टूरिज्म नहीं है, समंदर इस मुल्क में है, इस मुल्क में क्या नहीं है, नहीं है। तो हमारे जो हुक्मरान है उनके पास ईमान नहीं है, बाकी सब कुछ है इस मुल्क में। इस मुल्क का हर सूबा अपने साथ में एक बहुत बड़ी कंट्री से ज़्यादा हैसियत रखता है। हर सूबे के अंदर मिनरल्स मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, सिर्फ ईमान नहीं है। मेरा बस चले में जितने बीमार लोग मिले इनको जला दूँ ताकि दूसरों को नसीहत मिले कि किसी तरह लोगों के साथ ना इंसाफी की जाती है। गरीबों के हक मारे जाते हैं, लोगों को खाना मिलता नहीं है, वो अपने घर पर इकट्ठे हुए खुदा का खौफ करें ये लोग। और हमारे हुक्मरानों को मैं बोलता हूँ, या अल्लाह अगर इनको एक हिदायत नहीं देता तो इनको मौत दे दी। अच्छा सर, एक सर एक चीज़ और बताएं कि पीटीएम का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? पीटीएम का फ्यूचर, ये जो अभी पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट हो रही है, पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट का फ्यूचर अगर इसी तरह चलता रहा, मैं समझता हूँ जिन लोगों ने हराम खाया हो सकता है वो हराम खाना शुरू कर दूँ। और अच्छी फील्ड में आ जाए, अच्छी फील्ड में आने के बाद अगर दूबा कर दे तो सब माफ़ करने के लिए बैठा, मगर अपने आप को दुरुस्त कर दें, लोगों को रोज़गार दें। इतने पैसे ये लोग बाहर लेके बैठे हुए, इतने पैसे से पूरे पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है, पूरे पाकिस्तान के लोगों को घर भी मिल सकते हैं, पूरे पाकिस्तान के लोगों को सारी बेसिक फैसिलिटी मिल सकती है। इतने पैसे ये लोग खा के बैठे हुए हुक्मरान, तो जब बड़े आपके हुक्मरान खाएंगे तो मिलने वाले भी खाएंगे। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि खुदा के वास्ते ये पैसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्नोलॉजी जिंदगी है, मेरी सांस का पता नहीं है कि जिंदा रहना है, ये रहना है। लेकिन जो लोग जिन लोगों ने ये खाया हुआ है उन लोगों को अल्लाह अल्लाह कल दे या इनको मौत दे दे। ताकि ये पाकिस्तान के मुझे पाकिस्तान में लगा है कि जन्नत है, इससे अच्छी जन्नत दुनिया में कोई भी दुनिया देखेगी। मुझे आज बेहतर को खाए शुरू हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोग आए, अच्छे लोगों को रोजगार मिले, अच्छे लोग घर के चूल्हे चलते रहे, ताकि करप्शन खत्म हो, बीमारी खत्म हो, चोरी खत्म हो, ये खत्म जल्द नहीं होगी। नाज़रीन और मेरे ट्रैवल एजेंट दोस्तों, आपने देखा कि याह्या पुलानी की हमारे लिए और स्टेट के लिए कितनी अच्छी राय है, और हम ये चाहते हैं कि याह्या पुलानी जो हमें आज बता रहे हैं हम उस पर चल के इस स्टेट को फ्रूटफुल रिजल्ट दें। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत याह्या साहब, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे।